बीकेएल का हल्क, बाजुओं में महाबल जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, माइटी मनिंदर सिंह। बीकेएल के दूसरे सबसे कामयाब रेडर मनी जब रेड में जाते हैं तो मल्टी पॉइंट लेकर आते हैं। की कामयाबी का यही राज है। क्या सीजन 7 की तरह सीजन 10 में भी मनिंदर बनाएंगे वॉरियर्स को चैंपियन? ये सिर्फ मणि नहीं, नागमणि है और ये फुंकार रहे हैं। बीकेएल 10 में मनिंदर को वॉरियर्स को टाइटल दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। आइए देखते हैं बीकेएल में मनिंदर की वो परफॉर्मेंस जब उन्होंने अपनी ताकत से सबको चौंकाया। 20 मिनट में यानी दूसरे हाफ में मनिंदर का स्ट्राइक रेट देखिए, पहले हाफ से कहीं बेहतर है और मनिंदर उसको क्या सार्थक कर रहे हैं। सुपर रेड एक और हो सकती है मनिंदर की। टू पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स, एक और मल्टी पॉइंट रेड, 7 और 10 आउट। ये देखिए किस तरह से मनिंदर ने हाथ निकाला। बॉक लाइन के आगे आप अगर मनिंदर को टैकल करेंगे तो वो मिड लाइन पर अपने आप चले जाएंगे। अब डू ऑर डाई रेड है, प्रदीप डू ऑर डाई में फिलहाल नहीं आए थे, दूसरी उनकी रेड थी और अगर यहां मनिंदर आउट हुए तो मोमेंटम पूरी। मनिंदर एक और सुपर रेड, त्रिपल मनिंदर नहीं धुरंधर है ये। पुणे से लेके जलंधर तक इस धुरंधर की दहाड़ सुनाई दे रही है। थ्री पॉइंट मनिंदर, क्या जबरदस्त सुपर रेड, लॉर्ड ऑफ स्टार्स, अद्भुत अकल्पनीय। और ये देखिए मनिंदर की सुपर रेड में मनिंदर सिंह आ चुके हैं। अगर आप सिंगल खिलाड़ी की तरफ जाएंगे तो इधर से चेन आएगी। अगर आप चेन की तरफ जाएंगे, रविंदर पहलो, ये किक लगी है, विशाल का ब्लॉक है, मनिंदर एस्केप कर सकते हैं, मनिंदर ने एस्केप कर ली है। ये ऑल आउट रेड हो सकती है, ऑल आउट, ट्रिपल टू पॉइंट। सबसे पहले यहां मनिंदर और रविंदर की जंग में वो बने धुरंधर, फिर पूरी टीम एकजुट होकर आई, लेकिन मनिंदर को रोकना बच्चों का खेल नहीं। पिछले 5 मिनट में 4 पॉइंट है जयपुर के मंत्रा, बुरा प्रदर्शन नहीं है और 8 मिनट का टाइम बाकी है। 8 रेड आएंगी मनिंदर, क्या एक और सुपर रेड है मनिंदर की, एक और सुपर रेड, सुपर स्टार है मनिंदर बंगाल वॉरियर्स के। संदीप डुल को 4थी बार बाहर किया, सुनील को 3री बार बाहर किया, 3 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। पूरे स्टेडियम में मंत्रा सन्नाटा छा गया। सुपर रेड मनिंदर ने की है लेकिन दिल टूटे हैं इन तमाम फैंस के। और अब तक उन्होंने 15 रेड पॉइंट्स अपने खाते में जोड़ लिए, यानी कि 14 पॉइंट्स सिर्फ इस हाफ में। और इस बार मनिंदर ने सुपर रेड जान लगा दी है। ओह, जोश और जुनून कोलकाता में इस समय। धुरंधरों की तरह खेल रहे हैं ना, शायद रणनीतिक तौर पर पता नहीं मुझे कितना
अभिषेक इस बार चेन लेके नहीं आ रहे हैं, डिफेंस थोड़ा सा डिफेंसिव लगा है। सागर आए हैं, ये बेहतरीन, ओ तीन पॉइंट अप किए गए, यानी कि ये सुपर रेड, आज के इस मुकाबले की पहली सुपर रेड मनिंदर सिंह की। राइट कवर हटे थे ताकि राइट कॉर्नर टैकल करें, पर सागर ने जो चेन छोड़ी वही काम खत्म हो गया और मनिंदर ने मिड लाइन क्रॉस कर ली। सुशांत पवन का काम बड़ा है, नवीन का काम भी बड़ा है और उनके सामने मनिंदर चुनौती भी बड़ी है। डाइव लगी, कम से कम दो या तीन पॉइंट, ये सुपर रेड हो सकती है। रेडर से थ्री पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। लंबे समय के बाद ये सुपर रेड देखने को मिली। मनिंदर पहले एंकल होल्ड से बचे, गिरीश फिर सुरजीत, और जाते जाते एक और टच उन्होंने कर लिया शुभम शिंदे को। और ये देखिए उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। नंबर 6 नंबर 44 एंड नंबर 3 जब वो मोमेंटम में होते हैं उसके बाद कोई भी सामने आ जाए, सातों के साथ भी आ जाएंगे तो ये शेर सबका शिकार कर लेगा। नाम मनिंदर सिंह, बंगाल वॉरियर्स किंग, सुपर रेड 46 एंड 3 आउट। दहाड़ रहा है आज मनिंदर सिंह, इसमें कोई शक नहीं। इस मुकाबले से पहले 29 पॉइंट है गिरीश शर्मा के और 35 फेल्ड टैकल है। अब लीड हो गई है दोबारा से 18 पॉइंट की प्रभु, अब तो मल्टी पॉइंट रेड से भी बात नहीं बनेगी। 3 मिनट बाकी है और मनिंदर आउट, जोगिंदर नरवाल आउट, संदीप नरवाल आउट, पासा पलट दिया मनिंदर ने, क्या ये सुपर रेड है। इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं आप भी कीजिए। 3 पॉइंट सुपर रेड सुपर रेड, क्या ये सुपर रेड इस मुकाबले में बंगाल को नजदीक लाने वाली है। 5 पॉइंट की लीड फर्स्ट हाफ में बंगाल वॉरियर्स के पास, यही लीड बरकरार रखना चाहेंगे, पिछले 2 मैचों को बुरे सपने समान भूलना चाहेगी बंगाल वॉरियर्स की टीम। मनिंदर ओ बिल्कुल बिल्कुल सेफ रेडर, अब कितने पॉइंट मिले हैं ये देखना होगा। 2 पॉइंट की रेड, इनको आउट कर नहीं पाया है। पहले बोनस लिया, डैश लगभग हो गया, लेकिन मनिंदर किसी तरह से खुद को बचा के ना केवल लॉबी में बने रहे बल्कि लॉबी में रहते हुए मिड लाइन क्रॉस कर ली। राकेश भाई फिर से देख लें, मनिंदर आखिरी 10 मिनट में तकरीबन 70% स्ट्राइक रेट, ये 2 पॉइंट और कम से कम, क्या बोनस है। तूफान आने वाला है, तूफानी सुपर रेड की तैयारी कर लीजिए, तूफान आ गया है। मैच की पहली तूफानी सुपर रेड सुपर 10 पूरे हो चुका है, जबरदस्त प्रदर्शन मनिंदर का, इससे पहले भी 2 सुपर 10 लगा चुके थे, ये तीसरा सुपर 10 है सीजन 6 में। और इसके साथ ही दोनों टीमें बराबरी पर, 23-23 की बराबरी। बिल्कुल फजल को थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, आक्रामक दिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अगर आप रक्षात्मक हो जाएंगे तो जिस तरह से मनिंदर पिछली बार आपको समेट के गए थे फिर समेटेंगे। ये देखिए लगातार फजल के सामने फुटवर्क कर रहे हैं, फजल को टेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन फजल लगातार नियंत्रित और इस बार फजल गए, सुपर से ऊपर की रेड है, 4 पॉइंट्स। सफलता की सबसे खास बात यही होती है संजय दादा कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। मनिंदर सिंह की ये कला देखिए, फजल ने सामने से ब्लॉक किया, पीछे से पूरे डिफेंस का असिस्ट आया, लेकिन ये बंगाल का वॉरियर नहीं रुकेगा। और इस बार ये सुपर रेड तो निश्चित तौर पर है, 6 पॉइंट्स।
इसके साथ ही डिफेंडिंग चैंपियन। ये सिर्फ मणि नहीं नागमणि है और ये फुंकार रहे हैं। क्या मनिंदर टीम की किस्मत पलट सकते हैं या हरियाणा गुजरात की किस्मत पलट सकते हैं? आखिरी पांच रेड में चार पॉइंट लिए थे संदीप डुल। मनिंदर सिंह, मनिंदर सिंह की बड़ी रेड है ये। मनिंदर सिंह ने ये बता दिया है कि क्यों है वो माजी मनिंदर। सुपर रेड चार पॉइंट है यहाँ पर, वापस से स्कोर बराबरी का। एक और रेड जिसके अंदर वो मल्टी पॉइंट्स ले आए तो यहाँ पर भी अभी भी चांस बन सकता है। बोनस लेने का प्रयास उन्होंने किया जरूर था, कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। एक बार फिर बोनस का प्रयास, इस बार मिडलाइन को क्या क्रॉस कर गए, हमें इंतजार करना होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन का। तूफानी सुपर रे। पहले रोहित का हाथ क्या मनिंदर के पैर को छुआ है? रिव्यू सक्सेसफुल, बोनस प्लस 4 पॉइंट। रोहित का हाथ लगा था तो एक बोनस पॉइंट, 5 पॉइंट की रेट में स्टेडियम में मौजूद तमाम दर्शकों का दिल जीत लिया है। मनिंदर स्पेशल केबीडी काउंटडाउन में आज इतना ही। पीकेएल 10 में माइटी मनिंदर एक्शन में दिखेंगे 2 दिसंबर से।